दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2024 के 28वें मैच में एक दूसरे के आमने सामने होंगी। इस सीजन में अब तक एलएसजी ने 5 मैच खेले हैं, जिनमें से उसने 3 मैच जीते हैं, जबकि केकेआर ने 4 मुकाबले खेले हैं और उसने भी 3 ही मैच जीते हैं। आज की इस वीडियो में हमें लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स दोनों टीमों के बीच प्लेइंग 11 के आधार पर कंपेरिजन करने वाले हैं और जानेंगे कि कौन सी टीम टॉप ऑर्डर में है, कौन सी टीम मिडिल ऑर्डर में और लोअर ऑर्डर में दमदार है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको भी है एलएसजी और केकेआर के बीच मुकाबले का बेसब्री से इंतजार, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कंपेरिजन से पहले जानते हैं लखनऊ और कोलकाता के बीच है टूअर्ड रिकॉर्ड्स। तो अब तक आईपीएल में इन दोनों टीमों के बीच केवल 3 मैच खेले गए हैं और हैरानी की बात यह है कि तीनों मैचों में जीत लखनऊ को मिली है, कोलकाता एक भी मैच नहीं जीत पाई है। इसलिए इस बार कोलकाता जरूर कोशिश करेगी लखनऊ पर पहली जीत दर्ज करने की। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच कंपेरिजन। सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप ऑर्डर पर, तो एलएसजी के लिए ओपन करेंगे क्विंटन डीकॉक और केएल राहुल। नंबर 3 पर दिवदत्त पड्डीकल उतरेंगे, जबकि केकेआर की तरफ से फिल सॉल्ट और सुनील नारायण ओपनिंग करेंगे। फिर 3रे नंबर पर अंग कृष रघुवंशी उतरेंगे। कंपेरिजन करें तो केकेआर का टॉप ऑर्डर ज्यादा मजबूत लग रहा है। केकेआर के तीनों टॉप ऑर्डर बल्लेबाज फॉर्म में है। सॉल्ट ने 4 मैच में 102 रन, नरन ने 4 मैच में 161 और अंग क्रस ने 3 मैच में 78 रन बनाए हैं। एलएसजी के ओपनर्स ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है, केकेआर के ओपनर जितने ही रन बनाए हैं। लेकिन नंबर 3 पर देवदत्त के खराब फॉर्म की वजह से एलएसजी केकेआर से पिछड़ जाती है टॉप ऑर्डर में। वहीं दोस्तों बात करते हैं एलएसजी और केकेआर के मिडिल ऑर्डर के बारे में, तो एलएसजी की तरफ से नंबर 4 पर आयुष बडोनी, 5 पर निकोलस पूरन, नंबर 6 पर मार्कस स्टोनिस और 7वें नंबर पर कृणाल पांड्या दिखेंगे, जबकि केकेआर की तरफ से नंबर 4 पर कप्तान श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पर वेंकटेश अय्यर, नंबर 6 पर रिंकू सिंह और 7वें नंबर पर आंद्रे रसेल उतरेंगे। मिडिल ऑर्डर में दोस्तों एलएसजी का पलड़ा भारी लग रहा है। एलएसजी की तरफ से निकोलस पूरन सिर्फ पिछले मैच में फ्लॉप हुए थे, बाकी 4 मैचों में उन्होंने जमकर रन बनाए हैं। 167 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने सबसे ज्यादा 178 रन बनाए हैं। स्टोनिस और कृणाल के बल्ले से भी रन निकले हैं। पिछले मैच में आयुष बडोनी ने भी तूफानी 50 चढ़ी थी। इस तरह से अब एलएसजी के सभी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज फॉर्म में हैं। वहीं दूसरी तरफ कागजों पर तो केकेआर का मिडिल ऑर्डर बहुत खतरनाक लग रहा है, क्योंकि उसके पास श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल जैसे तूफानी बल्लेबाज हैं। लेकिन रसेल को छोड़कर किसी भी बल्लेबाज का बल्ला अब तक नहीं चला है। ऐसे में एलएसजी का मिडिल ऑर्डर ही बेहतर है। मिडिल ऑर्डर के बाद दोस्तों बात करते हैं दोनों टीमों के लोअर ऑर्डर की, तो एलएसजी की तरफ से 8वें नंबर पर रवि बिश्नोई, नंबर 9 पर नवीन उलहक, 10वें नंबर पर यश ठाकुर और 11वें नंबर पर अरशद खान उतरेंगे, जबकि केकेआर की तरफ से नंबर 8 पर अनुकूल रॉय, नंबर 9 पर मिचेल स्टार्क, 10 पर वैभव अरोड़ा और 11वें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती दिखाई देंगे। लोअर ऑर्डर को कंपेयर करें तो एलएसजी और केकेआर का लोअर ऑर्डर बराबर लग रहा है। दोनों ही टीम के गेंदबाज अब तक अपनी गेंदबाजी से प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। केकेआर ने मिचेल स्टार्क को शामिल किया था, लेकिन वे भी विकेट्स के लिए तरस रहे हैं। एलएसजी की गेंदबाजी मयंक यादव के आने से मजबूत हुई थी, लेकिन वे 2 मैच के बाद ही इंजर्ड हो गए। ऐसे में बॉलिंग में दोनों टीमों की हालत एक जैसी है। दोस्तों ओवरऑल लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच प्लेइंग 11 कंपेरिजन करें तो दोनों टीमों का पलड़ा बराबर लग रहा है। आपके हिसाब से कौन सी टीम ज़्यादा मजबूत है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।